Hello and assalamu alaikum dear students. Today we will learn about X-linked dominant inheritance. Okay. अब हमारे पास X-linked dominant inheritance कौन सी होती हैं जो हमारे पास X chromosomes को इफ़ेक्ट करती हैं, वो जो हमारे पास X chromosome के इनहेरिट होते हैं, यानी हमारे इनहेरिटेड तो हैं लेकिन जस्ट फॉर X chromosomes. ठीक है, जस्ट टू इफेक्ट द X chromosomes. पहला हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सी डिजीज़ हैं लेकिन हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाइपोफोस्फाटेमिक रिकेट्स. जैसा कि आपको पता चल रहा है ये हड्डियों की बीमारी है और ये कॉमन होती है फीमेल्स में, ज़्यादातर कॉमन होती है देन मेल्स के, लेकिन होती ये एक ही जेंडर में है, ऐसा नहीं है एट अ टाइम दोनों मियाँ बीवी में हो रही हो. नो, सिर्फ किसी एक जेंडर में होगी. अब पहले पढ़ते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट. सेक्स लिमिटेड ट्रेट का मतलब है कि ये सिर्फ एक सेक्स में प्रेजेंट होगी, सेक्स लिमिटेड है यानी एक चीज़ में, एक पर्सन में लिमिट में रहेगी. ठीक है, दूसरे में शिफ्ट नहीं होगी. अब जैसे लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंस, सच ट्रेट अफेक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शंस प्रेजेंट ओनली मेल और ओनली फीमेल. ठीक है, ये सिर्फ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से होती है, यानी ये सिर्फ जो है हमारे पास या मेल्स में प्रेजेंट होगी या फिर ये सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होगी. एट अ टाइम सिर्फ एक को अफेक्ट करेगी, बहुत सेक्सेस को अफेक्ट नहीं करेगी. एक जो पर्सन है उसको स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर देती है, उसकी बोन्स को इफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है. ओके, मेल्स हैव जीन्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन बट डू नॉट एक्सप्रेस. जैसा कि हमारे पास जो फीमेल में है जीन्स हैं मिल्क प्रोडक्शन की, वो एक्सप्रेस होती हैं. ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल ने अपने बेबी को फीड करवाना होता है, जिसकी वजह से वो जीन्स जो होती हैं वो उसमें एक्सप्रेस होती हैं. हालांकि अगर हम लोग जो मेल की बात करें तो उसमें भी जो हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन की जो जीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो अफेक्ट अपना शो नहीं करती. ठीक है, ये जीन्स जो होती हैं ये ट्रांसमिट हो जाती हैं फादर से आगे डॉटर में और फिर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, ये जीन जो होती हैं ये आगे सन्स में भी ट्रांसफर तो होती हैं, जैसे फादर की जीन है मिल्क प्रोडक्शन की लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रही, वो आगे जब फीमेल में जाएगी जीन्स ट्रांसफर होंगी वहाँ पर वो एक्सप्रेस होना शुरू होंगी. लेकिन अगर वो जीन्स जैसे कि सन में भी तो जा रही हैं, वो भी तो उसी का बेटा है. ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होती. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे उन्होंने एक बहुत मज़े की एग्जांपल दी हुई है, हैन एंड कॉक फीडरिंग इन डोमेस्टिक चिकन्स. जैसे हम लोग फीडर्स देखते हैं तो बहुत मेल और फीमेल में दोनों में फीडर्स होते हैं, जैसा कि लुक एट दिस डायग्राम, मेल में भी फीडर्स हैं और फीमेल में भी फीडर्स हैं. ठीक है, ये बात हो कि कॉक इन मेल्स ओनली. देखें बेटा, ये जो है ये जो पंख है इसका, ये जो इसकी गर्दन के नीचे चोंच के नीचे है, ये जो इसका पंख है जिसे हम कॉक कहते हैं, ये कहाँ पे है? सिर्फ मेल में. ठीक है, और इसके लिए एच जीन रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बेटा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट. सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो कि बोध में होती है, मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है. ठीक है, ये वन कॉमन जो है वन सेक्स में मोर कॉमन होती है, सेम उसी तरह जो कि सेक्स लिमिटेड है इसी तरह ये एक सेक्स में बहुत कॉमन होती है. ठीक है, लेकिन ये हम लोग किसके ज़रिए कंट्रोल्ड कर सकते हैं? अलील के ज़रिए, जो कि एक डोमिनेंट के तौर पे एक्सप्रेस हो रही है एक सेक्स में और दूसरे में रिसेसिव के तौर पे. जैसे बाल्डनेस की बात की जाए तो हमारे पास औरतों के भी बाल गिरते हैं, मर्दों के भी गिरते हैं, लेकिन जो मर्द होते हैं वो बाल्डनेस हो जाते हैं, बाल्ड हो जाते हैं यानी गंजे हो जाते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो गंजी नहीं होती है. ठीक है, तो मर्दों में ये चीज़ जो है ये डोमिनेंट है, लेकिन जो औरतें हैं उनमें ये चीज़ रिसेसिव है. ठीक है, कोई पूरा हेयर लॉस नहीं होता. ठीक है, ये जीन एक्ट एज अ डोमिनेंट इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बाल्डनेस जीन एक्ट एज अ रिसेसिव इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है, नो हेयर लॉस आफ्टर मेनोपॉज व्हेन एस्ट्रोजन लेवल फॉल्स. या औरतों में मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज होता है यानी जब पीरियड्स रुक जाते हैं तो अब ये जो जीन जो होती है एक्सप्रेस होना शुरू होती है, लेकिन एस्ट्रोजन लेवल फॉल होता है ना तो फीमेल जो होती हैं वो थोड़े थोड़े इनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ओके अब जैसा कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का भी थोड़ा सा लेवल होता है, कहते हैं ना फीमेल के अंदर बहुत हार्मोन्स होते हैं, मेल के भी फीमेल के भी, इसी तरह मेंस के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो मेन है उसके अंदर मेन के हार्मोन्स ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं. ठीक है, जो फीमेल है उसके अंदर फीमेल के हार्मोन्स ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं. अब हमारे पास एस्ट्रोजन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है हमारे पास, जब एस्ट्रोजन फॉल होगा तो हमारे पास बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास टेस्टोस्टेरोन भी है, टेस्टोस्टेरोन में हमारे पास मेल के जो हार्मोन्स हैं वो इफ़ेक्ट अपना शो नहीं करते. ठीक है, हमारे पास बाल्डनेस नहीं होती जैसे मर्दों में होती है. ठीक है, अब ये बाल्डनेस देखा जाए, बाल्डनेस ये मेरी भी ज़बान थोड़ी अटक रही है लेकिन बेटा ये आपने वर्ड देखना है, बाल्डनेस. ओके, ये मोर कॉमन होता है मेन में,
ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है फीमेल में। डोमिनेंट वो चीज़ होती है जो एक बंदे पे हावी होती है, ठीक है, रिसेसिव वो है जो हावी नहीं है, ठीक है। हेट्रोसाइकस मेल इस बाल, हेट्रोसाइकस फीमेल जो होती है वो नॉर्मल, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। देखें बी बी है, जीनोटाइप दोनों बी हैं, होमोसाइकस हैं तो बाल्ड हो रहे हैं दोनों। लेकिन अगर हेट्रोसाइकस है तो मेल बाल्ड है, फीमेल नॉन बाल्ड है। अगर दोनों हेट्रोसाइकस है तो कोई भी बाल्ड नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो लाइक माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।